ये जो पदक आपके पास है इसको हासिल करने के लिए जी जान की मेहनत लगती है प्लानिंग लगती है सेक्रीफाइस लगते हैं। जर्मनी से जब हम हारे सेमीफाइनल में उस रात नींद आई ऐसे बहुत सारे दिन देखे हमने नींद नहीं आती <laughs> वो टफ था मन में मेरे ये चल रहा था कि हिमपति नहीं ले गई हमने कि हमने बहुत अच्छा की हर एक प्लेयर बोल रहा था ड्यूरिंग द मैच बोल रहा था कि यार सर पे लग रही है लगने दो तो, कहीं पे भी लग रही लगने दो में भाग जानी चाहिए एक आपकी फोटो देखी थी मैंने हरमन के आपकी बेटी रुहान जीत के गले मेडल आपने पकड़ाया हुआ है मेडल के बाद मैं रुहानत को उठाया मैं ग्राउंड में ले गया मैं वहाँ पे छोड़ दिया और मेरे आंखों में पानी भी था कि हाँ ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जब ये बड़ी होगी तो इसको पता चलेगा 2020 टोक्यो ओलंपिक में जब हॉकी में कांस्य पदक आया तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल का सूखा समाप्त किया था और उसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने उस दबदबे को कायम रखा और उस जीत में सरपंच साहब की टीम ने कमाल कर दिया स्पेन को हराकर कांस्य पदक बरकरार रखा सरपंच साहब जी हां आप जान ही गए होंगे सरपंच साहब किसी गांव के नहीं पूरी भारत हॉकी टीम के कप्तान हरमन प्रीत सिंह जो हमारे साथ मौजूद हैं खास तौर पर बहुत बहुत स्वागत है हरमन जी आपका थैंक यू सर थैंक यू सरपंच या हरमन को, को <laughs> सरपंच जो जो आपका दिल करे वो कहेगा कैसा लगा जब आपको सरपंच कहते हैं कई सरपंच तो मुझे लगता है शायद लगाओगे यार कि सरपंच इन्हें कह रहे तो हमारी सरपंची खतरे में तो नहीं आ गई हाँ जी मैं भी सोच रहा था। <laughs> <laughs> पर एक्चुअली ड्यूरिंग टूर्नामेंट हमने सोशल मीडिया पूरा अवॉइड किया था कि हम यूज नहीं कर रहे थे पर उसके बाद मेरे को भी पता चला गया ओके ये नाम दिया गया आपको कब पता चला मैच के बाद फाइनल यानी कि जब जी दे जी, दे जी ये जो पदक आपके पास है इसको हासिल करने के लिए जी जान की मेहनत लगती है प्लानिंग लगती है सेक्रीफाइस लगते हैं भारतीय हॉकी का मैंने जिक्र किया कि 2020 में 41 साल का सूखा समाप्त किया तब आप उस टीम का हिस्सा थे 2024 में आप उस टीम के कप्तान थे सरपंच थे मैं शुरुआत करूंगा जब आप पेरिस गए पहला मैच पहले मैच की पहली मीटिंग याद आपको अच्छी तरह होगी जी बिल्कुल उससे पहले आई थिंक हमारा टूर था हॉलैंड का एंड हम काफी पहले चले गए थे यूरोप तो मीटिंग्स पहले से ही शुरू थी सभी टीम को लेके उनकी नॉलेज ली जा रही थी कि क्या करती हैं वो बट हर मैच के पहले मीटिंग्स होती हैं हमारी इंडिविजुअल मीटिंग है लाइन्स मीटिंग जिसको बोल देते हैं डिफेंडर फॉरवर्ड्स तो बिल्कुल मेन हमारा ये फोकस था इस टूर्नामेंट में कि हम मैच बाय मैच जाएंगे मैच बाय मैच फोकस रखेंगे अपना और इतने बड़े टूर्नामेंट का पहला मैच बहुत क्रुशल होता है कि आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए टीम का कॉन्फिडेंस ऊपर होना चाहिए तो ये सारी बातें हो रही थी और आई थिंक जो हम खेलते आ रहे थे टीम का परफॉर्म बहुत अच्छा चल रहा था जो हमारा स्ट्रक्चर है हम उस पर बिलीव कर रहे थे जो कोच बता रहा था उसको फॉलो कर रहे थे तो मेनली यही था मेडिका अच्छा हरमन जब इस हम टूर्नामेंट की शुरुआत हुई पहला मैच फिर धीरे धीरे आगे बढ़े गए टर्निंग पॉइंट आप कौन सा मैच मानते हैं ओलंपिक का जहां से मोमेंटम एकदम लगा के बढ़ गया आई थिंक सारे मैचेस हमने बहुत अच्छे खेले हैं बट स्पेश वो क्वार्टर फाइनल क्योंकि टीम परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही थी एंड पर उस दिन जो हमने कर दिया एज ए टीम वो एक हिस्ट्री है हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें नहीं मैं क्वार्टर फाइनल का बिल्कुल जैसे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी हम बात कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल साल बाद आपने बिल्कुल, जी क्योंकि हमेशा जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच आता है तो लोगों की न, नजर में हम आडर्ड हो गए तो लोग ऐसे देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच आया क्या होगा फिर से अगर ऐसा कुछ तो होना चाहिए वो बट हमें बिलीव था क्योंकि उसके लिए हमने बहुत हार्ड वर्क किया है और हम सोच के भी गए थे कि क्योंकि उससे पहले फाइव सीरीज थी हमारी ऑस्ट्रेलिया में और हम तो एक मैच भी नहीं जीते थे नहीं। तो वहां पर जब वापस आए तो बहुत कुछ सुनने को मिला बट वो एक हमारा पीरियड जैसा चल रहा था कि हमने काफी सारे प्लेयर थे हमारे साथ ट्वेंटी एट प्लेयर कैरी कर रहे थे डिफरेंट प्लेयर खेल रहे थे कॉम्बिनेशन ट्राई कर क्योंकि ओलंपिक से पहले एक सिलेक्शन का माहौल होता है तो आई थिंक वो चीजें सब चल रही थी बट हमने डिसाइड हम लेके गए थे कि एक बड़े टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे अच्छा सोचा सोचा था सोचा जैसे आपने कहा कि हम अक्सर देखते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में इतने साल मुझे भी बड़ा कवर करते हुए सोशल मीडिया से आप लोग दूरी बना लेते हैं ये दूरी कब से बनी थी थ्रू आउट मैच आप सिर्फ फैमिली से बात करते थे या कुछ पॉजिटिव चीजें देखते थे या टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती थी कि सिर्फ ये फोकस रखना है कोई न्यूज नहीं कोई गैजेट नहीं यूज करेगा जी आई थिंक जब विलेज में हम एंटर हुए हैं वहां पे हम आई थिंक वन वीक था हमारे पास पर उसमें दो से तीन दिन हमने डिसाइड किया था कि आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं आप उन्हें अगर कोई पोस्ट करनी है फर्स्ट टाइम जा रहा है या कोई पिक्चर डालनी है अपने यूज कर सकते हो पर उसके बाद दो तीन दिन के बाद हमने डिसाइड किया एज एज ए ए टीम और और स्टाफ कि हम कोई यूज़ नहीं करेंगे तो जैसे फैमिली फैमिली के आपकी फैमिली भी साथ थी पेरेंट्स से आप बात करते तब थोड़ा अलाउ होता था नहीं बिल्कुल पेरेंट्स के साथ बिल्कुल सर उनसे बात करनी होती है बट उनसे भी ज्यादा नहीं अच्छा क्योंकि इनके इमोशनल अलग होते हैं तो हम सोचा था हमने बात की थी कि हम सब कुछ ज्यादा अवॉइड करेंगे फैमिली से बात करो बट लिमिट में और सभी ने उसका पालना भी किया किया सभी ने रिस्पेक्ट बिल्कुल अगर आपकी मैं जिंदगी की बात करूं टिमोवाल गांव का एक लड़का पंद्रह की उम्र में आपने हॉकी स्टिक स्टिकेडमी चले गए पिता ने कहा कि ट्रैक्टर है आप चलाते भी थे ट्रैक्टर खेती की उसके बाद जब आप जूनियर टीम से सीनियर टीम में आए 2016 रियो ओलंपिक आपने खेला वो अच्छा नहीं रहा आप टीम से बाहर हो गए उसके बाद आपने फिर वापसी की तो जब एक ऐसा पीरियड आता है कि कोच के कोच को बहुत उम्मीदें प्लेयर से होती हैं और प्लेयर परफॉर्मेंस अपनी तरफ से कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाती कहते ना कि अप एंड डाउन खेल का हिस्सा है वो हरमन ने कैसे पार किया है देखिये फैमिली मेरी फार्मर है मेरे फादर सभी फार्मिंग करते हैं और जब नई हॉकी खेलते थे उनके साथ हमेशा हमने सारा काम किया हुआ है और खेतों में जाना काम करना दोनों भाइयों ने <laughs> तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी और जूनियर में जो आपने बोला आई थिंक जो सोलह की ओलंपिक से पहले एक हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी होती है और मेरा डेब्यू उधर भुवनेश्वर में हुआ था 2015 में और उस समय मैं जूनियर टीम के साथ था और वहाँ से मेरे को बुलाया गया था मेरे को चांस मिला मैंने परफॉर्म किया ओलंपिक के बाद मैं जूनियर टीम में मेरे को जाना पड़ा क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप था जी जूनियर वर्ल्ड कप जी उस मेरे को वापस जाना पड़ा और वर्ल्ड कप के बाद मैं डायरेक्ट फिर भी टीम में था मतलब कि ड्रॉप नहीं था एक्चुअली मेरे को वर्ल्ड कप खेलना था जूनियर और हम जीते भी उस 2016 में वर्ल्ड कप जीते हैं और दुनिया के जाने माने ड्रैग फ्लिकर और मैं जुगराज का भी जिक्र करता हूँ और आप तो खैर एक, जानते इतने सालों से आपके पंजाब के हैं ये कहलाना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर आप हैं पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट आप हैं टीम में ये वो जगह है जहाँ मुकाम बनाना बहुत मुश्किल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आई सीनियर टीम में कि आपको ये चीज करनी है कोचेज ने आपसे बात की आपने अपना रोल सेट किया और ओलंपिक्स आपको पता था कि 2020 भी आ रहा है आगे भी खेलना है तो हरमन ने अपनी जर्नी को किस तरह से आगे सेट किया कि मुझे ड्रैग फ्लिकर दुनिया का सबसे बेहतरीन तो आपका नाम हो गया क्योंकि आप कि जब ड्रैग स्पीड देखी तो मैनेजमेंट टीम को लगा कि हाँ ये वो हमारा तुर्पका है एक उस समय रिस्पॉन्सिबिलटी प्रेशर भी फील हुआ कि नहीं यार मेरे पर इतनी दुनिया की नजरें हैं सर मैं कोई चीज प्रेशर की मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ प्रेशर के बारे में क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करोगे अपनी चीज को लेके जिसमें आप अच्छा बनना चाहते हो तो एक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे लेता हूँ एंड ड्रैग फ्लिकिंग स्पेशली क्योंकि जब ट्रेनिंग भी होती है तो हमारे सेपरेट सेशन होते हैं उसमें तो अगर आप वीक में बात करो तो तीन से चार सेशन हमारे अलग होते हैं खुद के तो एक दिन में काउंट ही नहीं होती है कि कितनी ड्रैग कर रहे हो आप और वीक में आप देख लीजिए तो मेहनत बहुत है इसमें क्योंकि सारी बॉडी की पावर एंड स्पेशली बैक आपकी बहुत स्ट्रांग चाहिए <laughs> तो कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना और हैवी बॉल के साथ प्रैक्टिस करना जिम में अलग प्रैक्टिस करना ड्रैग की जो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ को आपकी नीड है तो बिल्कुल बहुत सारी मेहनत की है इस चीज़ को लेके कर एंड अफकोर्स जगराज भाजी वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है मेरा मेरे बड़े भाई ऐसे तो आई थिंक वो हमारे कोच आए थे जब तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है मेरी थ्रू आउट द जर्नी मेरी जब वो कोच थे बट उनसे एक अलग रिश्ता है मतलब फैमिली रिश्ता है उनके साथ और बड़े भाई हैं मेरा जो आम दर्शक देख रहे हैं हरमन मैंने इसलिए जिक्र किया ड्रैक फ्लिक का लोगों को लगता है कि हॉकी खेल रहे हैं पास दिया अपने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर दिया ये मैं आम दर्शक के लिए भी जानना चाहता हूं कि जो ड्रैक फ्लिक की प्रैक्टिस है बहुत अलग होती है कितने लगा दिए होंगे आज तक कोई काउंटिंग नहीं स्पेशल उसके लिए एक पावर चाहिए होते हैं बैक का आपने जिक्र किया शोल्डर पावर स्ट्रेंथनिंग थोड़ा बताइए जरूर कि क्या अलग से करना पड़ता है कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है स्ट्रेंथनिंग कितनी जरूरत होती है बिल्कुल अगर ग्राउंड की बात करें तो क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी को देखते हैं अगर पीसी डिफेंस की बात करते हैं तो सभी टीमें स्मार्ट हो रही हैं गोलकीपर स्मार्ट हो रहे हैं रशर स्मार्ट हो रहे हैं बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है तो वो सारी चीजों को देख के अपना ड्रैफ्लिक में चेंजेस लाना एंड कुछ नई चीजें ऐड करनी एंड ग्राउंड स्पीड का भी होता है कि कितनी स्पीड स्पीड भी बिल्कुल मैटर करती है बट आपकी एक बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी हाइट कहाँ पे मार रहे हो आप क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर में अगर आप फ्लिक कर रहे हो एंड बॉडी को हिट कर रहे हो इन बिटवीन तो वो आपको अगेंस्ट फाउल है तो वो भी आपने मैनेज करना है कि, कि किस हाइड पे मारनी है आपने कि नी से नीचे मारोगे तो एटलीस्ट चांस है कि फर्स्ट प्रेशर को हिट करती है तो री पी सी आर बट बहुत सारी टेक्निक्स हैं एंड जिम में काफ़ी डिफरेंट एक्सरसाइज रहती हैं हमारी स्पेशली क्योंकि ड्राई फ्लिक में आपका बॉडी बैलेंस बॉडी स्ट्रेंथ आपकी सारी बॉडी की पावर कैसे यूज करेंगे आप एंड जैसे मैंने जिक्र किया कि कि हैवी बॉल के साथ मैं प्रैक्टिस करता हूं कि मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है है इसे कहते हैं मेहनत वाकई पता पता लगता है। जो नहीं पता लगा लोगों को कि इस तरह से नहीं टॉप स्कोरर बन गए हरमनप्रीत दस गोल दागे हैं भाई ओलंपिक में और बाकी आपने पीसी कन्वर्जन जो रेट इस बार रहा हालांकि ज्यादा थे लेकिन ये जरूर रहा कि जब जब मौके जरूरत पड़ी आपने गोल दागा हरमन आगे बढ़ते हैं पेरिस की बात करते हैं क्योंकि स्पेशल सभी के लिए है जर्मनी से जब हम हारे सेमीफाइनल में उस रात नींद आई थी सर ऐसे बहुत सारे दिन देखे हमने नींद नहीं आती <laughs> वो टफ था बहुत ज्यादा टफ था नींद तो छोड़ो बिलीव नहीं हो रहा था कि हमने मैच खेल लिया हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं यार अभी सो जा कल मैच है फिर से जाएंगे जीतेंगे ऐसा हो रहा था बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो एक तो कप्तान खुद ऊपर से टीम को मोटिवेट करना और कईयों की आंखों मैंने आंसू भी देखे सबके थे सबके थे और कहते जाके कमरों में रोए जी जी आई थिंक जो हम हॉकी खेलते आ रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने शो किया है पूरी वर्ल्ड हॉकी को लोगों को कि इंडियन टीम केपरवल है वो किसी भी टीम को हरा रही है एंड इतना अच्छा हॉकी खेल रही है तो वो क्लोज मैच रहना और हार जाना उस मोमेंट पे बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि तो आपने एक ड्रीम लेके चल रहे हो आपके गोल्ड मेडल जीतना है, है हमने जब जाने से पहले अगर आप टारगेट लेके जाते हो तो आप मेडल की बात कर रहे हो आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि मैंने पार्टिसिपेट करना है नाम के आगे ओलंपियन लगाना है नहीं आप मेडल की बात कर रहे हो वो चेंजेस बहुत सारे हैं वो चीज मोटिवेट करती है पर उस रात बहुत डिफिकल्ट था बट बजे सोए उस रात या नींद नहीं सर पता ही नहीं कब सोए और कब उठे क्योंकि ब्रेक था नींद भैया आ नहीं रही थी एंड नेक्स्ट डे भी शेड्यूल जो होता है उसको आप फॉलो करना पड़ता है कुछ खास उस मैच के बाद बात हुई आपस में आपने अपने आप को भी समझाया होगा एज ए कप्तान है तो इंसान ही इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है इमोशन होते हैं आपने अपने, अपने आप को भी समझाया क्या आपने आपसे कहा आपने मन में मेरे ये चल रहा था कि अगर आज का दिन हमारा नहीं था तो एक मैच है और है हमारे पास अगर हम इसको लेके बैठ गए और उसमें भी परफॉर्म ना कर पाए तो सिंपत्ती नहीं लेके गए हमने कि हमने बहुत अच्छा किया एटलीस्ट आप मेडल डिजर्व करते हो जितना अच्छा हमने खेला है तो मेरे मन में था कि अभी लास्ट मैच है अगर हम जीत के जाएंगे तो हॉकी का जो नाम है हॉकी का सिर ऊंचा रहेगा तो मेरे मन में यही था कि लास्ट मैच है अपना मैं टू हंड्रेड परसेंट करूँगा जो मेरे को मेरे से हो सकता है अपना बेस्ट करूंगा कि ये मेडल हमारा हो और टीम को आपने खुद फिर, फिर समझाया बात की जब... में सर एक्चुअली ऐसा होता है कि अब आप मैच आ, मैच से आए हो कि सबका एक अपना जोन होता है तो उस दिन मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया अच्छा। हमने नेक्स्ट डे प्लेयर मीटिंग की हमारी नॉर्मल मीटिंग भी हुई है कोचिंग के साथ कि क्या प्रॉब्लम थी क्या आंसर ने ये मिस किया और अच्छा कर सकते बट प्लेयर्स की मीटिंग में जो थॉट्स थे जो एक जज्बा देखने को मिला है सारी टीम में कि हर हर प्लेयर बात कर रहा था कि यार कुछ भी हो जाए ये मेडल हमारा है कुछ नाम लेके बताएंगे जैसे किसी ने कहा कि नहीं पाजी अपा सभी सभी सब सर्कल में बैठे थे शुरुआत हुई बोला कि भाई इतनी दूर आना और मेडल ना लेके जाना हमारे लिए हम इसलिए नहीं आए थे हम हम मेडल टारगेट के लिए आए थे कि मेडल जीत के जाएंगे गोल्ड नहीं तो बताओ सपना तो वो मेंटेलिटी थी वो जोश था एंड सभी ने सभी ने इनिशिएटिव लिया उसमें और वो पल भी याद होंगे आपको तो खैर याद ही होंगे हम तो खैर टीवी पर देख रहे थे कि जब लास्ट के वो दो मिनट और डेढ़ मिनट के बीच में स्पेन को लगातार बैक टू बैक पीसी रहे थे सेम क्योंकि उन्होंने अपना जो गोल कीपर बाहर कर लिया था एंड उनके पास एडवांटेज भी थी एक्स्ट्रा गोल पर बट हमें बिलीव था क्योंकि हमारा पीसी डिफेंस थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है एंड आई थिंक हमने अच्छा डिफेंस किया उसमें भी अमित को जब रेड कार्ड मिला और उसके बाद उसके मैच का बैन वो दो दिन कैसे गुजरे टीम के ऊपर एकदम से दबाव आ गया टीम के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था बट वो प्लेयर के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि वो प्लेयर आ, मेंटली कौन सी स्टेज में है है कि वो थिंक करने लग जाता है कि यार नहीं हालांकि मेरे को लगता है इंटेंशनली नहीं मारा था उसने बट वीडियो में ऐसा लगा तो वो बहुत डिफिकल्ट था कि एक्सेप्ट करना कि एक तो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वार्टर में भी वो चीज हो जाती है यार आप एक प्लेयर कम से आप पूरा मैच निकालना दस है से। से सारा मैच निकाले वो, वो बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए तो उस समय हर एक प्लेयर बोल रहा था ड्यूरिंग द मैच बोल रहा था कि यार सर पे लग रही है लगने दो तो कहीं पे भी लग रही लगने दो तो भाई डी में वाली आनी चाहिए अच्छा ये बातें हो रही थी उस टाइम अच्छा और ड्यूरिंग द मैच ड्यूरिंग द मैच और सब प्लेयरों की कम्युनिकेशन स्किल्स जो देखने को मिला है मतलब दस बीस बन गए हैं ऐसा डबल जोशन बिल्कुल सर सच सच बात है और हर प्लेयर बात कर रहा है क्योंकि हमें पता था कि हमें डिफेंस करनी पड़ेगी भाई और डिफेंस ऐसा था कि स्टिक लो आपकी बॉडी बैंड है और लेफ्ट हैंड है जो पूरा ग्राउंड पे लगा के हम घूम रहे हैं सभी और शिफ्टिंग कर रहे हैं कि भाई बॉल नहीं जानी चाहिए जो मर्जी हो और वो मैच निकला उसके बाद जब एक मैच का बैन है तब टीम मीटिंग और फिर वही हुआ कि यार ये तो एक आपका फर्स्ट रशर है और एक मेन खिलाड़ी चला जाए बिल्कुल आई थिंक लॉस होता है क्योंकि वो चीज़ वो, वो उसमें परफेक्ट है वो अपने क्योंकि फर्स्ट रशर जो है बहुत अच्छा है और उसने बहुत बार टीम को सेव भी किया है पर वो क्वार्टर फाइनल जीने के बाद हमें ये था कि एटलीस्ट हम ग्राउंड पे ग्यारह लोग रहेंगे क्योंकि पहले हम दस थे तो टोटल तो पंद्रह खेले हैं बट ग्राउंड पे हमने नेक्स्ट मैच में जो ग्यारह खेले हैं बट आई थिंक ऐसी स्टेज में आके एक पेर भी कम होना बहुत डिफिकल्ट है अच्छा पूरा ड्यूरिंग टूर्नामेंट अगर बात करें मैं आऊंगा लास्ट में ब्राउन्ज के बाद क्या हुआ एक टीम मैनेजमेंट डिसाइड कई बार हम देखा बड़े टूर्नामेंट में करते हैं रिलैक्स रहने के लिए कुछ आप ये करना है अपना डू एंड डोंट्स होते हैं क्या करते थे रिलैक्स रहने के लिए कोई जोक्स थे या कोई कुछ ऐसी सीरीज या क्या कुछ किया आई थिंक विलेज में असर बहुत अलग माहौल होता है वहां पे डिस्ट्रैक्शन हर एक स्टेप पे है क्या आपने विलेज देखना है आपने एक्टिविटी रूम देखना है यंगस्टर्स थे उनको बोल दिया था कि भाई थोड़ा आराम से रहेंगे क्योंकि हो है बंदा। भाई अपने। तो बोला गया था तो ड्यूरिंग द मैच भी ये होता है ना कि आपने जैसे हुआ आज फिर रहने के लिए कुछ होता है कि अच्छा जोक्स पढ़ ली आपको पर्सनली क्या पसंद है सर so, म्यूजिक और आ, हम यूजली जो अपने मैच होते हैं अपने अपने उसको करते हैं गाने मोस्टली पंजाबी कौन सा फेवरेट आपका सिंगर है? सिंगर भाई मैं तो सभी को सुन लेता हूँ हाँ। यूजली सिद्धू मूसे वाला ही अपने लेट पेरिस में सुने आपने गाने जी बिल्कुल बिल्कुल उनका जो लेजेंड गाना है लेजेंड <laughs> और, और दो सौ पचानवे और टीम जब बस में जाती है तब कौन सा सॉन्ग था पिछले बार मुझे लाए तो लाए तो लाए लाए तो मान साहब वाला भी सॉन्ग मान साहब के चलते हैं जी बिल्कुल दिल दा मामला वो अभी भी चलता है बिल्कुल सर बिल्कुल वो तो बस जाने से पहले सारे जिकारा लगे चलते हैं भाई और उसके बाद जिकारा खत्म होते हैं दिल दिल मामला जब तक आप पहुंचे नहीं दिल दिल, दिल और वापस बिल्कुल ये पैठ था हरमन किस तरह से देखते हैं जब वो ब्रॉन्ज मेडल मैच हुआ लास्ट जो विजल होता है ना पांच चार तीन दो एक और खिलाड़ी जमीन पर लेट गए और आंखों में आंसू वो बयान कीजिए दर्शकों के सामने प्राउड मोमेंट होती है वो ना कि हालांकि हमारे लिए सारे देश के लिए क्योंकि इस चीज को ये मुकाम हासिल करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और जब आपको फल मिलता है तो उससे ज्यादा खुशी आई थिंक होती नहीं है एंड इमोशनल मोमेंट्स होती हैं खुशी की मोमेंट्स होती हैं क्योंकि आपने कंट्री uh, का नाम ऊंचा किया है एंड एक्सप्लेन uh, नहीं कर सकते बट जब ये चीजों को देखते हैं ये ये देखिए पदक दिखाई जरूर ये ये सर, है ये के लिए बिल्कुल सर ये चीजों को देखते हैं तो और आता है कि यार अभी और बहुत कुछ करना है जिंदगी में ये तो कुछ भी नहीं है शुरुआत हो रही है ये तो तो इसके कलर भी चेंज करने हैं सर उस दौड़ में भी हम लगे हुए उस रात तो सो नहीं होंगे मुझे लगता है नहीं सर उस रात वो नहीं सोया था कोई भी नहीं सोया था और सभी बातें कर रहे थे सभी साथ में इकट्ठे भी थे खूब डांस हुआ वो बिल्कुल सर और स्पेशली हमें इंडियन फूड मिल गया उस दिन अच्छा। <laughs> उस दिन रोटी रोटी साग वगैरह सर सा, अच्छा। सारा कुछ खाया हमने बहुत बहुत ज्यादा कुछ अच्छा उस रात की कोई खास बात बता दीजिए हरमन अब तो टूर्नामेंट खत्म हो चुका है की ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो कि सभी हंस से भी हो कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि रोना भी आ गया हो कुछ ऐसा मोमेंट शेयर कीजिए मोमेंट सर एक्चुअली सबसे बड़ी ये मोमेंट थी कि जैसे मैंने बताया कि विलेज में बहुत माहौल होता है सारे प्लेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के जब और जब क्वार्टर फाइनल और जब मेडल के बाद भी हमें आउट ऑफ हॉकी जितने लोग मिले हैं हम बता नहीं सकते आप वो बंदों ने वो उन्होंने एथलीट्स ने, ने आगे हमको अप्रिशिएट किया कि यार जो आपने इस बार हॉकी खेली है अनबिलेबल जिसको हॉकी का पता भी नहीं था जो हॉकी के गेम में भी नहीं तो वो प्राउड थी प्राउड और इंडियन प्लेयर्स तो नेचुरली विलेज में थे जो बाकी स्पोर्ट्स को मिलते रहते थे जी जी बिल्कुल आ, अपना नीरज भाई हम खुद आ जाता था भाई अच्छा। के भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो खींच के रखो के रखो हाँ तो। उनको भी सरपंच साहब कहा जाता था हाँ, जी बिल्कुल <laughs> तो मतलब हम भी ऐसा ही था कि हम सेम हमारी वर्डिंग होती है कि हाँ भाई आप पे बहुत सारा है ना बिलीव है और हमें हमें भी पता कि आप अच्छा करोगे तो अच्छी बात है सर एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं एक आपकी फोटो देखी थी मैंने हरमन के आपकी बेटी रूहान जीत के गले मेडल आपने पकड़ाया हुआ है और वो फोटो देखकर मुझे लगा कि इस बेटी को अभी शायद एहसास नहीं कि उनके पिता उनके सरपंच साहब ने शायद बड़ी होगी कितना एक वो बड़ा मोमेंट था कि बिल्कुल सर एक फादर के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि क्योंकि मेरे वाइफ भी उधर थे बेटी भी तो उनके सामने खेलना और मेडल जीतना एंड मेडल के बाद में क्योंकि अलाउड नहीं होता वाइफ को बट मैं रुहानत को उठाया मैं ग्राउंड में ले गया मैं वहां पे छोड़ दिया और मेरे अखों में पानी भी था कि हाँ ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जब ये बड़ी होगी फर्स्ट ओलंपिक थी और हमने मेडल जीता मैडल है और ये विटनेस थी वहाँ पे तो <laughs> वो बहुत स्पेशल मोमेंट थी मेरे लिए जब फ्लाइट में वापस आ रहे थे तब क्या सुकून था और क्या अंदर चल रहा था कि लैंड करेंगे भारत की धरती पर और क्या मैंने बिल्कुल क्योंकि एक्सपीरियंस हमने किया हुआ है कि लास्ट टाइम भी और दिल्ली हम आए हैं और क्या बात है पूरे ढोल वगैरह चल रहे हैं और लोग आए थे काफ़ी सारे हमारे लिए और बहुत अच्छी स्पेशल लगता है क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हॉकी को और एंड देश के लोग आपको आपसे आप प्यार कर रहे हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है सर क्या कभी ऐसा होता है कि हम जैसे ग्राउंड में जाते हैं तो पहले राइट पैर आगे रखना या राइट शूज आप या कुछ ऐसा होता है नहीं जी, ग्राउंड ऊपर अच्छा। वाले का नाम लेके ग्राउंड का मथा और उसकी रिस्पेक्ट पहले है आपकी टीम में सबसे मजाकिया प्लेयर कौन है या सबसे पंगेबाज कौन है पंगेबाज बहुत है सर जो फ्रंट फुट रखे भी चलते हैं और पीछे छुपे छुपे भी चलते हैं कौन है जरा बता दीजिए श्री भाई है सबसे पहले तो अच्छा। हाँ, वो, वो तो बच्चे ही अभी और टीम में हमारे हैं मनदीप है, मंदीप है और सुमित है मानप्रीत है और काफी और भी प्लेयर हैं अभी जो नए लड़के भी आए हैं संजय हो गया संजय जी, जी, संजय वो भी बहुत अच्छा लड़का है कई ज्यादा सीरियस होगा तो थोड़ा माहौल ठंडा कर देते लगाइए क्या करें लग जरूरी भी है सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना है थोड़ा सा इंडियन गा कि यार बिना, एक, बिना, एक काम रहता हूँ बिलीव करता हूँ जितना काम रहोगे जितना फोकस रहोगे क्योंकि आपने सब कुछ देखना है अरमन अब क्योंकि आपकी अगर जर्नी देखें तो जितने आपने टूर्नामेंट खेले चाहे एशियन गेम्स की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी तमाम मेडल जरूर है तो ओलंपिक का मेडल का रंग बदलने को आप कैसे देखते हैं कितना इसमें आपको लग रहा है कि क्या और होना चाहिए आई थिंक पहले तो जैसे हमने बोला था कि टीम का माइंड सेट ये नहीं है कि हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं अगर हम बैक टू तो बैक मेडल जीत रहे हैं तो और क्षमता है क्योंकि पहले मेडल की बात होती है और हम मेडल जीतेंगे अब ये बात हो रही है कि भाई गोल्ड मेडल जीतना है तो आई थिंक मैंटेलिटी और टीम का कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है हॉकी का एंड जितने भी प्लेयर आ रहे हैं सभी स्मार्ट हैं अच्छे प्लेयर हैं एंड काफ़ी एक्सपीरियंसड भी हैं हमारे प्लेयर हैं जो टीम के साथ है क्योंकि इस टीम में पांच नए थे बाकी सभी जितने सबने लास्ट ओलंपिक में थे जो और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है टीम को कि एक्सपीरियंस प्लेयर रहते हैं टीम में तो बिल्कुल और जो हमारा पूरा स्क्वाड है और आई थिंक ए टीम हम अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो और भी करेंगे सर क्योंकि हमें पता है अगर हमने कलर चेंज करना है तो ये आसान नहीं है 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 क्रिकेट से कंपैरिजन अगर बात करूं कि कि अभी भी आपको लगता है कि जब वर्ल्ड कप जीती है, तो एक क्रिकेट को जिस तरह से किया जाता है ओपन बस में उनको ले आया गया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कई बार प्लेयर के मन में होता लेकिन है लेकिन कह नहीं पाता आपको क्या लगता है कि वो अभी हॉकी टीम के साथ स्टेज है हाँ पहले से ज्यादा रिकॉग्नेशन मिलनी शुरू हुई नहीं पहले से ज्यादा तो मिलनी शुरू जरूर हुई है हम भी बात कर रहे थे कि यार गोल्ड डालता तो शायद हमारे साथ भी हो जाता <laughs> पर नहीं है सर आई थिंक मेडल मेडल वो दिन पे भी मजबूर करेंगे अगर हमारी मेहनत हम ऐसे करते रहे तो लोग भी आएंगे सब कुछ होगा सर क्या कहना चाहेंगे फैंस को लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सबको प्यार करो यार <laughs> सिंपल सी बात है जो लड़का जो इंसान जो लड़की इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है आप उसको उसकी सपोर्ट करो ऐसा नहीं कोई एक गेम किया सब करो एक बार ये मैं पदक हाथ में लेकर देखना चाहूंगा और इसकी जो फीलिंग है हरमन वाकई इसको हासिल करने के लिए प्लेयर का खून पसीना मेहनत और वो जो तिरंगा जब लहराता है तब पता चलता है एक बार मैं कहूंगा गले में डालकर जरा और ये शान आपकी बनी रहे मेडल जब गले में डला और वाकई ये है शान तिरंगे की ऐसे रहते हैं फिर आगे देखा नहीं जाता सर ऐसे देखते रहते हैं इसको <laughs> बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और उम्मीद है कि कलर बदलेगा थैंक 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 यू 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 सो मच सर इस खास पेशकश में इतना ही देखते रहिए न्यूज एट